जी एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उसकी पीड़ा समझ सकता हूँ, और एक महिला होने के नाते बहुत बड़ी बात है। हिंदे कहते हैं कि खेलों की स्पेशली कुश्ती की हमारी एक सही महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक मेडल जीता है, वो भी कहते उसने न्याय मांगा, उसको न्याय मिला नहीं, इससे परेशान हो, इससे तंग होकर कहते कि उसने रिटायरमेंट ले ली। तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज आप क्या सोचते हैं, इससे बढ़ी होगी या कम हुई होगी? तो ये सब चीज़ें हैं, इससे पूरे खेल जगत में बहुत निराशा है। हरियाणा को कहा जाता है कि वहाँ लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, वहाँ लड़कियाँ कम है। तो अभी देखिए हरियाणा की लड़कियाँ अभी क्या माँ बाप उनके भेजेंगे, उनको अपने स्टेडियम में खेलने के लिए भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। एक कहते हैं माँ बाप का दिल टूटता है, कि उनका एक सपना टूटता है कि भैया कि इस लड़की बेचारी ओलंपिक मेडल इसको न्याय नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा? तो एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, इसमें प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति सब आके जवाब दें कि भैया ऐसा क्यों हुआ, किसके कहने पे हुआ। और ये बहुत सारे सवाल उठाता है न्याय प्रणाली पर, लोकतांत्रिक ढांचे पर, रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इसे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है, और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे।